भिंड रेल यातायात से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर समाजसेवी राहुल भारद्वाज ने DRM झांसी रेल मंडल को अति आवश्यक निवेदन पत्र सौंपा है, जहां पर ग्वालियर भिंड इटावा रेल खंड का निरीक्षण करने आए DRF झांसी मंडल श्री आशुतोष जी को भिंड के समाजसेवियों के प्रतिनिधि मंडल ने एक अति आवश्यक निवेदन पत्र सौंपा है। निवेदन पत्र के माध्यम से DRM को समाजसेवी राहुल भारद्वाज ने बताया कि कोरोना काल के बाद बंद की गई कोटा इटावा एक्सप्रेस एवं ग्वालियर भिंड पैसेंजर को पुनः अविलंब शुरू किया जाए, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में लगभग सभी रेलगाड़ियां शुरू कर दी गई हैं। और आगे अवगत कराते हुए बताया कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी भिंड रेल यातायात के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है। हमारे भिंड को रेल यातायात के माध्यम से भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, जम्मू से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, क्योंकि भिंड चंबल अंचल के कई लोग भारतीय फौजों में सेवाएं दे रहे हैं और रेलवे एक्टिविटी बढ़ने से उन्हें बहुत सहूलियत होगी। कई ट्रेनों के प्रपोजल 5-5 सालों से अटके पड़े हैं और जिन पर रेल मंत्रालय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया है। समाज सेवी भारद्वाज ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 91वें जन्मदिन पर दिनांक 25 दिसंबर 2014 से सुशासन एक्सप्रेस वाया ग्वालियर भिंड इटावा चलाना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन CSR द्वारा NOC न मिलने की वजह से उक्त ट्रेन आनन-फानन में ग्वालियर निजामुद्दीन के रास्ते बलरामपुर तक शुरू कर दी गई, जिसकी दूरी 957 किलोमीटर है और 15 घंटे का समय लगता है। यदि सुशासन एक्सप्रेस वाया भिंड इटावा चलाई जाए तो 465 किलोमीटर का फेर और 8 घंटे का समय बचेगा, और अगर यह ट्रेन शुरू हो जाए तो स्वर्गीय अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राहुल भारद्वाज ने DRM से रूबरू होते हुए कहा कि भिंड का विकास तभी संभव है जब भिंड रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं विकसित की जाए और नवीन ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जाए, अन्यथा करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया ग्वालियर भिंड इटावा रेल मार्ग अर्थहीन होकर नगण्य ही माना जाएगा और इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन कम होने से भिंड का विकास अवरुद्ध हो रहा है, इस विषय पर गंभीरता दिखाई जाए। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के रूप में मनोज जैन और प्रतीक पांडे, शिवम दुबे, गोपाल सोनी, साथ ही में पारस थापक, शनि राजावत और रमाकांत काकर, विवेक व्यास, ऋषभ शर्मा, अंबेश थापक, प्रहलाद भदौरिया आदि सहित कई समाजसेवी युवा मौजूद रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।